आज छह में आज हम अध्ययन करेंगे मानव अधिवास के बारे में। तो मानव अधिवास का अध्ययन करने से पहले हम अधिवास का अर्थ को समझें। तो अधिवास का मतलब क्या होता है? अधिवास का मतलब होता है मानव के रहने का स्थान। इसको हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा हम देखें कि धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित अवस्थाओं के संगठित समूह को हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास साधारणतः स्थायी रूप से बसे होते हैं। कुछ अधिवास अस्थायी रूप से बसे होते हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर आदि मानव रहता वहां अस्थायी अधिवास होते हैं, जैसे पिंगल हो गए, एस्किमो लोग है, बुशमैन निवासी है, राकेश पर्वत पर, अल्पास पर्वत पर, एंडीज पर्वत के ऊपर देखें तो जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर मोटे तौर पर अस्थायी अधिवास होते हैं। अधिवासों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अधिवासों का उपयोग मानव के निवास के लिए किया जाता है। तो अभी अपन ने देखा अधिवास के बारे में। अधिवास के बारे में देखने के बाद इन अधिवास दो तरह के अधिवास होते हैं, कुछ तो ग्रामीण अधिवास होते हैं, कुछ नगरीय अधिवास होते हैं। इन अधिवासों की कुछ समस्याएं होती हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं होती है? तो इन अधिवासों की हम समस्या देखें तो निम्न समस्याएं होती है। तो पहली है कि जो ग्रामीण जो अधिवास होते हैं, सबसे पहले अगर ग्रामीण अधिवासों की समस्या को देखें तो ग्रामीण जो अधिवास होते हैं यहाँ आवागमन के साधनों का अभाव पाया जाता है। दूसरा देखें स्वच्छ जल का अभाव पाया जाता है या कमी पाई जाती है। ग्रामीण अधिवासों के अंदर जो पानी है वो स्वच्छ जल का अभाव पाया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पाई जाती है, चिकित्सा सुविधाएं इसकी कमी पाई जाती है, विद्युत आपूर्ति का अभाव या कमी पाई जाती है, और रोजगार के जो साधन है अवसर है इसकी भी कमी पाई जाती है। ठीक इसी तरह से जो ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं हमने देखी, ठीक इसी तरह से नगरीय जो अधिवास हैं, नगरीय अधिवासों की भी कुछ समस्याएं हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? यहाँ पर नगरों के अंदर अधिक अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व होता है। लोग कैसे रहते हैं? घने रहते हैं, पास पास रहते हैं, बहुत मात्रा के अंदर रहते हैं, गंदी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, यहाँ अपराधों का बढ़ता स्तर है, दिन प्रतिदिन जो अपराध हैं यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पाई जाती है। तो अभी अपन ने देखा कि जो अधिवास हैं इनकी कुछ समस्याएं कुछ प्रतिरूप पाए जाते हैं। तो अधिवास जो रहते हैं इन अधिवासों को देखें मुख्य तौर के ऊपर हम मानवीय अधिवास होते हैं, इनके कुछ प्रतिरूप होते हैं। तो जैसे देखें रेखीय प्रतिरूप के अंदर होते हैं, त्रिभुजाकार प्रतिरूप होते हैं, आयताकार प्रतिरूप होते हैं, हरियत्रिभुज प्रतिरूप वाले होते हैं, वृत्ताकार रूप के अंदर होते हैं, तारा प्रतिरूप होते हैं, पंखे के रूप के अंदर होते हैं, अनियमित प्रतिरूप होते हैं, सीढ़ीनुमा होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान होते हैं और अन्य प्रतिरूप होते हैं। तो इस तरह से हमने इनके प्रतिरूपों के बारे में भी देखा, ठीक है, और इनका हमको विस्तृत अध्ययन भी करना है। तो तय कर लिया हमको कि ग्रामीण अधिवास हैं और नगरीय अधिवास हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों का तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलनात्मक अध्ययन करना। ये रहता है ठीक है।